بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे, जिसकी मेन हेडिंग है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लातिनी जुबान का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? रोटेशन। इस टॉपिक में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क के यूजेस क्या हैं, हमारी लाइफ इससे किस तरीके से आसान बनाई है, और टॉर्क के टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टॉर्क का यूनिट क्या है, टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इस टॉपिक में हम डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। बट टॉर्क को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी है? चार टर्म्स हैं। फर्स्ट इज रिजिड बॉडी, सेकंड इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड इज फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नंबर फोर्थ इज मूवमेंट आर्म। जब तक आप इन चार टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं लेंगे, तब तक आपको टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स समझ नहीं आएगा। आइए अब हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? आपको पता है जैसे कोई भी मैटर है, मैटर क्या है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये मार्कर है, इट्स अ मैटर। ये क्या है? स्मॉल, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या होता है रिजिड बॉडी। आकर रिजिड बॉडी क्या है? इफ अ रिजिड बॉडी इज वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड और बाय अ फोर्स और फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब ये कि जिससे ये पार्टिकल, बहुत ज्यादा पार्टिकल से मिलके बना है, जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने फोर्स अप्लाई की, अब इसके पार्टिकल्स के दरमियान का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, देन ये बॉडी क्या हो जाएगी? रिजिड बॉडी हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि एक मेरे पास इस तरीके से मैंने एक गाड़ी का बोनेट बना लिया। अब गाड़ी के बोनेट्स में इस तरीके से डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है,
लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट है। अब मैं कि दो बेसिक पार्टिकल्स को इस तरीके से आपके सामने बना रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। जब फोर्स अप्लाई की तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। अ रिजिड बॉडी इज अ वन, एक ऐसी बॉडी है दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड, मतलब फॉर्म होता है बनना, डिफॉर्म होता है टूट जाना, डिफॉर्म नहीं होगी, बाय अ फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब मैंने यहां पे क्या किया था, जस्ट वन फोर्स अप्लाई की। अगर मैं एक और फोर्स अप्लाई कर दू, इसे एफ वन कह देता हूं, इस फोर्स को, ये मेरे पास जो फोर्स थी इसे एफ वन कह देता हूं, सेकेंड फोर्स क्या है एफ टू है, इसी तरीके थर्ड फोर्स एक अप्लाई करो एफ थ्री। लेकिन इस गाड़ी के जो जो दो पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। अब हम अपनी सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं, विच इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन सर्कल्स विथ देयर सेंटर्स ऑन लाइंग ऑन दिस लाइन। अब इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरा एक हाथ है, इसको हम एज अ डोर कंसीडर कर लेते हैं। ये डोर का हैंडल है इस तरीके से, इस हैंडल्स के ऊपर जब मैंने फोर्स अप्लाई की, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये डोर जो है इस तरीके से ओपन हो गया। अब ये वाली जो लाइन है ये अटैच है, इसके इर्द गिर्द हमारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इन सर्कल फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं। ये जब मैंने इसको पुल किया तो डोर ओपन हो गया, जब इसको मैं पुश करूंगा डोर दोबारा क्लोज हो जाएगा। तो आपके सामने ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये फिक्स्ड हैं। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का डोर का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से अगर ये डोर है हमारा, यहां पे डोर की क्या है, नो प्रेजेंट, इसको नो प्रेजेंट है। अब आपके सामने जब मैंने डोर को ओपन करना है, डोर इस तरीके से क्या होगा, ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ओपन ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करें, रोटेट करें, कभी इस तरीके से रोटेट करते हैं तो कभी इस तरीके से। इस तरीके से कब रोटेट करेंगे, जब हम इस डोर को इस तरीके से क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। लेकिन जब हम इसे क्लोज करेंगे तो यही पार्टिकल दोबारा क्या करेंगे, अगेन रोटेट करेंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट, ऐसी लाइन जहां पे, जिस लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं। ये सपोज कर ले हमारा डोर का हैंडल है, ये डोर के हैंडल है, मैंने अगर अपने हैंड से इस डोर को ओपन करना है इस तरीके से, तो मेरे हाथ की एनर्जी इस नोब में ट्रांसफर हो जाएगी। इस नोब के ऊपर मैं क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स आपका ये जो जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस यहां से लेके यहां तक पार्ट पे अप्लाई किया है, तो ये मेरा जो हिस्सा होगा ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। आफ्टर दैट हम अपना जो फोर्थ हमारी टर्म थी, इट्स मोमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म को डिस्कस करने लगे हैं। और यहां पे ही मैं दोबारा जो पहले दो टर्म्स आप पढ़ चुके हैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो अगेन वो क्लियर हो जाए।
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म. मतलब एक साइड में मेरे पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सेकंड साइड में मेरे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. तो इनके दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, उसे हम मोमेंट आर्म कह देंगे. एंड मैंने मोमेंट आर्म को क्या कहा है, डिस्टेंस कहा है. तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर. एंड इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट बिग एल से करते हैं. ये दोनों टर्म्स आपने इसके पॉइंट्स याद रखने हैं, ताकि अगर आपसे शॉर्ट में सिंपल डिफाइन मोमेंट आर्म पूछ लिया जाए, सिंपल आप डेफिनेशन ना लिखे, इसके साथ इसका बता दें, इसका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज मीटर. एंड इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बिग एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा. मैंने यहां पे क्या बनाया है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एक डोर को जो मैंने यहां बनाया था, अगेन बना दिया आपको समझाने के लिए कि ये हमारा जो है, इसके ये पार्टिकल जो हमारे डोर के हैं वो फिक्स्ड है. डोर के पार्टिकल हमारे फिक्स्ड है. अब इसके इर्द गिर्द क्या होता है, हमारा डोर, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं यहां पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एंड इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसे मूवमेंट आर्म कह देते हैं. इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू कहा गया है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ भी हमारा मूवमेंट आर्म क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है. इसी तरीके से अगर आप देखें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ भी ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. इसलिए इसको क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. उम्मीद है आपको ये टर्म्स बहुत ही अच्छे अंदाज से क्लियर हो गई होंगी. अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स. अब टॉर्क क्या है, देखें लास्ट यूनिट में आप बहुत ही अच्छे अंदाज से इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि फोर्स जो है सिर्फ टू थिंग्स ही करती थी पहले. वो क्या, या तो पुश करती थी या पुल करती थी. लेकिन फिर साइंस ने हमें एक चीज बताई कि टॉर्क मतलब फोर्स जो है वो एक और इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी बॉडी के ऊपर. वो क्या है, वो है टर्निंग इफेक्ट. अब इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, और मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी कहते हैं. अब इसको समझना है तो कुछ एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. ये लेट अस कंसीडर, ये मेरा एक शॉर्पनर है. आपने अगर पेंसिल को इसमें एडजस्ट करके इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाई तो आपकी पेंसिल क्या हो जाएगी, शॉर्प होने लग जाएगी. ठीक है, शॉर्प होने लग जाएगी, उसका सिक्का जो है वो नया निकल आएगा. तो ये क्या है, फोर्स की वजह से मैंने क्या किया, जब इस पेंसिल के ऊपर फोर्स लगाई थी इसकी वजह से टर्न प्रोड्यूस हुआ. तो इस टर्न को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं. एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. आप के घर में जिस तरह किचन है, किचन में एक जो टैब लगी हुई है जिसे नल कहते हैं, उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स के रिजल्ट में क्या होता है, टैप ओपन हो जाता है. फोर्स की वजह से टर्न प्रोड्यूस हुआ, आपका टैप ओपन हो गया और पानी इजीली उसमें नल में आ गया. इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल कोई कंसीडर कर लें, अब आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर लें, जैसे डोर की एग्जांपल है. मैंने यहां पर जो इसके नॉब है, नॉब के ऊपर इस तरीके से फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करके इसको घुमा के इस तरीके से जब ओपन किया तो मेरे हाथ ने अपनी एनर्जी इस नोब पे ट्रांसफर की. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये ओपन हो गया. इसी तरीके से टॉप की बात कर लेते हैं. टॉप इस तरीके से जिसे लड्डू कहते हैं, इस तरीके से इसकी डायग्राम होती है. इसके ऊपर वाले हिस्से को पकड़ के हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्स अप्लाई करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका जो टॉप है वो मूव करने लग जाता है. ये सारे के सारे इफेक्ट जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं. और इस टॉर्क ने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बनाया है समझने के लिए. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने यहां पे आपके सामने एक डोर बनाया है, इसको गेन बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे अंदाज से समझ आ जाए. ये मैंने एक डोर बना लिया, इस तरीके से एक डोर बनाया.
अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हम हमेशा डोर के नॉब को यहां पे ही क्यों प्लेस करते हैं, उसको मिड में क्यों नहीं प्लेस कर लेते? यहां मिड में भी तो उसको प्लेस किया जा सकता है, आखिर यहां पे क्यों नहीं इसको प्लेस किया जाता? उसकी मेन रीजन ये है कि टॉर्क टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर वन इज फोर्स, नंबर सेकंड इज मोमेंट आर्म। मतलब नॉब को अगर मिड में रख दिया जाएगा तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट आर्म बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये देखें, इस नॉब के साथ इसका डिस्टेंस जस्ट इतना सा है। अगर यही नॉब को मैं थोड़ा सा ऊपर बना दूं आपको समझाने के लिए, चलिए न्यू डायग्राम में बना देता हूं इस तरीके से। न्यू डायग्राम में जब मैं इस नॉब को बनाता हूं, यहां पे सेम लेंथ है दोनों डोर्स की, इसकी मोमेंट आर्म की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो जब मोमेंट आर्म की लेंथ कम होगी, वहां पे इस डोर को ओपन करने में बहुत ज्यादा पावर लगेगी, जबकि यहां पे अगर मोमेंट आर्म बिग है तो यहां पे मेरी कम पावर लगेगी और डोर यहां पे क्या हो जाएगा, इजीली ओपन हो जाएगा। तो आपने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, विच इज कि फोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज वेल एज लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है जी, इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आपने एक नट ओपन करना है अपने घर का, वो नट है आपने ओपन करना है, आपके पास दो स्पैनर्स हैं। इस तरीके से एक स्पैनर ये है, एक स्पैनर आपके पास ये है, ठीक है, जिसका मोमेंट आर्म ये है L, और एक स्पैनर मेरे पास क्या है इस तरीके से, एक स्पैनर का मोमेंट आर्म हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा है इस तरीके से, और यहां पे एक नट है, इस नट को मैंने क्या करना है, ये मेरा क्या है, नट है, इस नट को ओपन करना है किसके थ्रू, इस स्पैनर के थ्रू, इस स्पैनर के थ्रू। अब आप मुझे खुद बताएं, इधर ये भी नट है और ये मेरा क्या है, अगेन स्पैनर है। अब आप मुझे खुद बताएं भाई कि किसका अंदर ज्यादा फोर्स लगेगी, फर्स्ट स्पैनर में ज्यादा फोर्स लगेगी, इससे नट खोलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, कि सेकंड स्पैनर से जो है वो नट खोलना बहुत आसान होगा? जी आपने सही कहा, हमारा जो नट है वो सेकंड स्पैनर से इजीली ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म उतना ही बड़ा है, यहां पे मैं इजीली इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके नट को ओपन कर लूंगा, जबकि यहां से फर्स्ट स्पैनर से मेरे से नट ओपन नहीं होगा। इसी वजह से जब आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती है, आप जब पलंबर को मंगवाते हैं तो पलंबर अपना जो स्पैनर होता है उसकी लेंथ बड़े वाला लेके आता है, ताकि हमारे से इजीली मटेरियल ओपन हो जाए। जो भी चीज, मतलब कोई इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो गई है, आपने उसको कोशिश की है, आपके पास ये वाला स्पैनर था, इससे ओपन करने की कोशिश की है, इस स्पैनर से इजीली आपकी इलेक्ट्रिक मोटर ओपन नहीं हुई। आपने फिर एक पलंबर को मंगवाया, पलंबर के पास बिग स्पैनर था, उसने इजीली उससे इलेक्ट्रिक मोटर ओपन कर ली और उसमें उस पैनल पे इसकी इतनी फोर्स भी नहीं एग्जिट हुई, मतलब अप्लाई हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि टॉर्क जो है, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क आप देख लें, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क टोटल जो है टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन क्या है, आपका फोर्स है, एंड नंबर सेकंड हमारा क्या है, नंबर सेकंड मोमेंट आर्म है। अब हम इसकी यहां पे यूनिट को भी डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी इसकी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, टॉर्क को आपने याद रखना है, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉ कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है, एफ मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म को आपके सामने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास टॉर्क इजिली फाइंड आउट हो जाता है। अब टॉर्क के यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। टॉर्क का यूनिट क्या है, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि फोर्स जो है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल जो हमारा मोमेंट आर्म है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू ही आप इजिली इसका आंसर फाइंड आउट करें। फोर्स जो है, फोर्स का क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट है न्यूटन, और एल हमारे पास क्या है, इट्स अ मोमेंट आर्म, इसका यूनिट लिखा हुआ है मैंने मीटर, क्योंकि इट्स अ सिंपल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसको मैं इजीली क्या लिख दूंगा, यहां पे इसका यूनिट मीटर लिख दूंगा। अब इसका एक और यूनिट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, वो क्या है कि हमारे पास टॉर्क 1 न्यूटन मीटर कब होगा। आप इसके यूनिट को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आर टॉर्क इज 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर टू द मूमेंट आर्म इज 1 मीटर लॉन्ग। मतलब क्या है, टॉर्क इज 1 न्यूटन मीटर, टॉर्क 1 न्यूटन मीटर कब कॉस्ट होगा, अ टॉर्क इज 1 न्यूटन मीटर कॉस्ट बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म इज 1 मीटर लॉन्ग। मतलब ये आपके पास सिंपल एक ये डोर है, आपके पास क्या है, एक ये डोर है। आपने क्या किया है, इसके इस नॉब के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी है, और इस डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके इस लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इट मस्ट बी इक्वल टू 1 मीटर। देन आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इट्स इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। आज का हमारा लेक्चर ये था कि टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको बुक से भी एक दफा एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि आपका पॉइंट सारे क्लियर हो जाएं। एंड जो हमारा आज का लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 3 था, किसका, यूनिट नंबर 4 का। अब आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 90 ओपन कर लें। पेज नंबर 90 जब आप ओपन करेंगे तो हम इसको रीड आउट भी कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन समझा जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ बता भी रहा हूं, इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। वी ओपन और क्लोज अ डोर फिगर 4.9 बाय पुशिंग और पुलिंग इट। जैसा कि ये बात आपने याद रखनी है, अगर आप बाजार भी जाते हैं, कोई शॉप में जाने लगे तो आपको लिखा होता है वहां पे पुश एंड पुल। जब आपने डोर ओपन करना है, आपने उसको पुल करना है, और जब आपने डोर को क्लोज करना है तो आपने इसको क्या करना है, पुश करना है। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि डेली लाइफ में भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हियर पुश और पुल टर्न्स द डोर अबाउट इट्स हिंग, इसे हिंग भी पढ़ते हैं, हिंग कहते हैं डोर की जो नोब होती है जिससे आप पकड़ के डोर को ओपन या क्लोज करते हैं। गोल वाली भी होती है और हैंडल वाली भी होती है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन, द डोर इज ओपन्ड और क्लोज्ड ड्यू टू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जब डोर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा, टर्न प्रोड्यूस होगा। उस टर्न की वजह से ही डोर क्या होगा, या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। After that, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा
व्हाट इज रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी क्या होती हैं? इसका आंसर है अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग, अप्लाइंग का मतलब होता है लगाना अ फोर्स, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। देखिए इसमें दो डेफिनेशंस एक्सप्लेन की गई हैं। नंबर फर्स्ट डेफिनेशन यहां तक मार्क कर लीजिएगा, अगर आपको ये आसान लगे आप इसको याद कर लीजिएगा। एंड अदर डेफिनेशन इज इन अदर वर्ड्स, आप इन अदर वर्ड्स को कट कर लीजिएगा अगर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है तो। अ बॉडी, अ रिजिड बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मतलब ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है, रिजिड बॉडी है। देखिए फर्स्ट मैंने क्या किया, अपने हाथ से फोर्स लगाई, क्या ये डिफॉर्म्ड हुआ, टूटा नहीं। फिर सेकंड मैंने अपने दूसरे हाथ से भी फोर्स लगाई, एक फोर्स दो फोर्स, मतलब फोर्सेस हो गई। दोनों फोर्सेस लगाने से भी अगर ये बॉडी नहीं टूटी देन इट्स अ रिजिड बॉडी। आफ्टर दैट आप एक न्यू क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका आंसर बताता हूं मैं कहां से स्टार्ट हो रहा है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, मतलब एक रिजिड बॉडी हमने कंसीडर कर ली जो अपनी एक लाइन पे रोटेट कर रही है, कभी इस साइड पे तो कभी इस साइड पे। अब यहां से आपने इसका आंसर लिखना है, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। लाइन का मतलब होता है होना, मतलब ये मेरा हाथ है तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, लाए कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। अब आप इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को एक मिनट के लिए छोड़ दें, उससे नेक्स्ट पे चलें, विच इज टॉर्क। अब टॉर्क की आप एक दफा डेफिनेशन मार्क कर लीजिएगा, डिफाइंड टॉर्क लिख लें। टॉर्क क्या है, डिफाइंड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स। अब आपसे सिंपल अगर टॉर्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपने इतनी इसकी डेफिनेशन लिख ली साथ। अब नेक्स्ट इससे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसको देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल्स हैं किसकी, टॉर्क की। फोर्स दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन, कॉमन का मतलब होता है बहुत आम, आम जो बहुत हो। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है टर्निंग पेंसिल इन अ शॉर्पनर, टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ द टैप, वॉटर टैप, मतलब स्टॉप कॉक होता है ऊपर वाला हिस्सा, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा इस तरीके से इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कॉक कहते हैं या स्टॉप कॉक कह देते हैं। तो इसको आप क्या करते हैं, पकड़ के ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, ये टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का। आप टू एग्जांपल्स लिख सकते हैं। इसके बाद टर्निंग डोर नॉब एंड सो ऑन आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर अ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 91। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, तो इसका आंसर पहले मार्क कर लीजिएगा, द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन अ फिगर, वो जो लाइन शो की जा रही है आपके पास फिगर 4.12 है जो आपकी बिल्कुल पेज की राइट साइड पे है, आप उसको देख सकते हैं। उस लाइन को, किस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, बीसी से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। इसके बाद लास्ट जो हमारी टर्म है इट्स
मूवमेंट आर्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन मूवमेंट आर्म और व्हाट इज मेंट बाय मूवमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस एल, आप सिंपल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल भी कह सकते हैं, एंड साथ आप ये जरूर लिखिएगा इट्स यूनिट इज मीटर, और मीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एम। देखिए इसमें से जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे और भी दो बनते हैं वो मैं एट लास्ट पे बताऊंगा, बना दिए मैंने। अब हम मेन टॉर्क की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। सबसे फर्स्ट में आपने डेफिनेशन लिख लेनी है जो मैं बता चुका हूं। आफ्टर दैट आपने अपने पेज नंबर 91 पे आ जाना है। यहां पे लिखा हुआ है लेट अस स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क और द मूवमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स। इसका मतलब क्या है, इस पैरा में हम क्या स्टडी करेंगे कि टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क। You might have seen that a mechanics, mechanic वो होता है जो मतलब प्लम्बर भी होता है जो काम करते हैं, जो काम करते हैं प्लम्बर्स का, या कोई रेंच वगैरह ओपन करते हैं, या कोई जो बाइक को ठीक करते हैं, आपकी कार को ठीक करते हैं, they all are mechanic. Uses a spanner as shown in figure 4.11 to loosen or tighten a nut or a bolt. Loosen का मतलब क्या होता है, उसको मतलब खोलना ओपन करना, और टाइट का क्या मतलब होता है, क्लोज करना, किसको, नट को या कोई बोल्ट को। अ स्पैनर हैविंग लॉन्ग आर्म हेल्प्स हिम टू डू इट विद ग्रेटर एज। एज का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी, मतलब कि उसमें कोई परेशानी ना हो। देन द वन हैविंग शॉर्टर शॉर्ट आर्म, शॉर्ट का मतलब छोटा, जिसका लेंथ मोमेंट आर्म जो है लेंथ, जिसे मैंने आपको डायग्राम बनाकर समझाया था उसी एग्जांपल को यहां पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज डिफरेंट इन टू केसेस, दो केसेस हमने कंसीडर किए थे, दोनों में टर्निंग इफेक्ट क्या थे, डिफरेंट थे। द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लॉन्गर आर्म इज ग्रेटर then the torque produced by the same force but using a spanner of shorter moment arm। मतलब ये, इसको एक example और समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा एक hand है, यहां से यहां तक मेरे पास एक spanner है, second spanner मेरे पास क्या है, छोटी length का, दोनों के ऊपर मैं force equal amount में apply कर रहा हूं, लेकिन इसका मोमेंट आर्म क्या है, बिग है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसको रोटेट करना आसान है, जबकि इसको रोटेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फोर्स मुझे और प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब भी मेरा जो नट है हो सकता है ओपन हो जाए, लेकिन इसमें मुझे यहां पे फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी और मेरा जो नट है वो इजीली ओपन हो जाएगा। After that आप अपनी पेज जो लास्ट पेज है यहां पे आ जाएं, यहां पे दोबारा डिपेंडेंस को ही थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है। द टॉर्क और द मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड अपॉन द फैक्टर एफ एंड द मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। अब यहां पे दोबारा ऊपर वाली वर्डिंग को और आसान वे में करके बताया जा रहा है, ग्रेटर इज अ फोर्स, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स। सिमिलरली जैसे ऊपर बात की है वैसे ही दोबारा बात कर रहे हैं, लॉन्गर इज द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स, दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क। इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, ये इसको टॉर्क कहते हैं, इज डिटरमाइंड या डिटरमिंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म। यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म आप हेडिंग दे दें,
tau is equal to F multiply by L. After that, आप अपने बुक का नेक्स्ट पेज ओपन कर लें, यहां पे आप एस ए यूनिट की हेडिंग दे दें, एस ए यूनिट ऑफ टॉर्क. एस ए यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, जिसको बिग एल और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आगे जो है इस यूनिट को एक्सप्लेन किया जा रहा है. अ टॉर्क ऑफ वन न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म वन मीटर लॉन्ग. अब यहां पे जस्ट मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, अ टॉर्क इज नहीं आएगा, अ टॉर्क वन न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म वन मीटर लॉन्ग. उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा. थैंक यू.